पनिक है, इसे प्लीज सीरियसली ना और ऑफेंड ना होए। गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? आज मैं बात करने वाला हूँ इंस्टाग्राम की एक ऐसी परी के बारे में, ना कोई ना वो अपने लाइफ से खुश है, ना अपने आसपास के लोगों से, ना अपने दोस्त से, ना अपने प्यार से। भाई वो अपने लाइफ से खुश ही नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है, और ना किसी को रहने देने चाहती है। गंदे एडवाइस और खाली बकचोदी करना आता है उसको इंस्टाग्राम पे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एंड बिना किसी का लाइफ में घटिया एडवाइस दिए हुए। चलिए। ओह यू आर क्यूट एंड हैंडसम, बट क्या तुम मेरे इमोशनल ड्रामा को झेल सकते हो? क्या तुम मुझे 24/7 अटेंशन दे सकते हो? क्या तुम मेरी ओवरथिंकिंग को झेल सकते हो? क्या तुम मेरे मूड स्विंग को झेल सकते हो? रुक जा साली, रुक जा। अब क्या क्या, 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 क्या कहना का चाहती है साली भूती सी? लगी आ मेरे मुंह में घुस जा, कैमरे में तुम पूरा घुस रही है। आ जा बाहर आ जा साली। और जितनी तेरी डिमांड है ना, उतनी तेरी हाइट भी नहीं है। माइंड करती चलेगी भूतनी सी शकल की। बॉयज बेस्ट फ्रेंड भी लाए, अपने किसी फ्रेंड से मिलवाना, मेरी सेटिंग करवाना। नहीं, तू अपने फ्रेंड से मिलवा, तू मेरी सेटिंग करवा, तू अपने किसी दोस्त से मिलवा मुझे अभी कभी। रुक, ये मिल मेरे दोस्त। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? अरे जस्ट तेरे जैसा तो है, खाली मेकअप नहीं किया, थोड़ा सा मेकअप कर लेगा तो तेरे जैसा हो जाएगा। Please tell me, am I the only one जो कडल करने की उम्र में स्ट्रगल कर रही है? मैम को लगता है कि वो स्ट्रगल करती हैं। अरे कौन से नशे की है, और तुमसे ज़्यादा स्ट्रगल तो मेरे लगता है कि क्वाला करता होगा। वो ज़्यादा स्ट्रगल करता होगा दिन भर सोने, और इंस्टाग्राम पे बहुत बहुत ज़्यादा चुतियापा करने को स्ट्रगल करते हैं। तो आप नंबर वन पे हो, बिल्कुल नंबर वन पे हो। दिस वीडियो इज टू ऑल माय बहन, उसके लिए रोना बंद कर, उसको रुलाना चालू कर। ठीक है मैम, ये हाँ चलिए बता दीजिए कैसे रुलाते हैं, कैसे रुलाते हैं अभी? और 50 मैसेजेस के साथ मेरा एक्स प्लीज राहुल मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर दे अब तो, प्लीज एक बार कॉल। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग। मैम तो खुद अपना सेल्फ रिलायंस और सब चीज़ गिरा रही है, खुद रो रही है, दूसरे का कहते कि सड़े एडवाइस देगी, सबके लाइफ पर बात करना चाहती है ये लड़की। बस इसका किसी ने बहुत गंदा काटा है, और ये सोचती है कि सबको सड़े एडवाइस दें, चूतियापा करें और बस सबका लाइफ बर्बाद कर दें। इसके बात मानने वाले तो बहुत बड़े चूतिया होंगे। गर्ल्स भी लाइक, बॉयज भी लाइक, गाइस भी लाइक, और मैडम के हर वीडियो में गाइस भी लाइक, बॉय भी लाइक, गर्ल्स भी लाइक। अरे लगता है सुबह होता होगा, मम भी लाइक, डैड भी लाइक, टट्टी भी लाइक, टेढ़ा सीधा होना चाहिए था। प्रॉब्लम है मुझे, तुझसे भी प्रॉब्लम है। सही में ऐसे ही करती होगी साली, लाइक भी लाइक। अरे बस करो, क्या है यहाँ बकचोदी हो रही? तेरे से ज्यादा बिग बेवकूफ खत्म सेंसलेस लड़की हम अपने पूरे लाइफ में नहीं देखे हैं। मजा आया, और मैं ये गाइस भी लाइक, लड़कियां ऐसी होती है, लड़कियां वैसी होती है। तो लड़कों को डेट कर ले ना, लड़कों को डेट कर ले। जब तुझे लड़कियों से इतनी ही प्रॉब्लम है तो हमारे पीछे आता क्यों है? तू लड़कों को डेट कर ना। मैडम को देखो, आधे से ज्यादा वीडियो इनकी खाली लड़कों से प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है इनके लड़कों से, और बोल रही है हम लोग को कि हम लोग लड़की के पीछे भागते हैं। ऐसे बात है मैडम, तुम भी मत भागो, क्यों भाग रही हो लड़कों के पीछे? और देखो इनको अभी बॉयफ्रेंड चाहिए, अभी दो पल में बोलने की लड़की के पीछे हम लोग ताना मार रहे हैं, और अपने को बॉयफ्रेंड। गाइस, सो फाइनली मुझे पता चल गया कि मुझे कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। कुछ भी। गाइस भी लाइक, तुम्हें कोरियन भी आता है जो तुम बड़े BTS की फैन बन के घूमती रहती हो? ओप्पा सारंगे आता है मुझे। वाह, चुतियापा कहा जाए, यानी कि दो वर्ड बोल के तुझे कोरिया आता है, तो ऐसे मुझे तो चाइनीज आता है। अंशम छू तेरी माँ की चू, बड़ा हरामी हो बेटा। मुझे भी आता, मैं भी चाइनीज बोल सकता हूँ, तेरी माँ को छू।
बॉयज भी लाइक लड़कियां तो पैरों से ब्रेक मारती है स्कूटी पे, पैरों से ब्रेक होते फिर भी पैरों से ब्रेक मारती है। तुझे क्या है? नहीं तुझे क्या है? हाँ मैं मारती हूँ पैरों से ब्रेक। सुन आधी सी लड़की, तू पैर से रोक, हाथ से रोक या अपने कान से रोक स्कूटी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मगर हम लोगों को मत ठोको अपनी स्कूटियों से, हम लोगों को मत ठोको, जिंदा रहने दो। और स्कूटी पे जब देख ही सकते कि पापा की परियों की कहानी कितनी है, और देख लियो एक्सीडेंट देख लो, यकीन नहीं है इन लोग पैर से स्कूटी रोकने में क्या होता है। अब पता नहीं ट्रिगर्ड भैया कौन क्या रिवील करने वाले हैं, कौन है इनकी गर्लफ्रेंड, कल तो देखना पड़ेगा, इसलिए सब कोई तैयार। गाइस भी लाइक लड़कियों को बहुत टाइम लगता है रेडी होने में, लड़कियां मेकअप करने में बहुत टाइम लगाती है, तुझे टट्टी करने में 40 मिनट क्यों लगते हैं भाई? हाँ राहुल ऐसा क्या करता है तू 40 मिनट टॉयलेट में बैठ कर बता भाई? कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। और ये बताओ कि कौन से लड़का को टट्टी करने में 40 मिनट लगता, वो किसी शादी में जाके भर के भी यहाँ तक भी खाना खाएगा ना तो उसे 40 मिनट नहीं लगेगा, हार्डली साली 10 मिनट लग सकता है। और मान गया मैम, टट्टी से अपने मेकअप को कंपेयर कर, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। लिया समझ रहे हो मतलब क्या? इसकी बकचोदी यहीं पे रखते हैं और इससे हमसे जाल झेला नहीं जाएगा। और ये इंस्टाग्राम पे इतना इतना क्रिंज लेवल कर चुके हैं ना कि क्रिंज लेवल तो क्रिंज इनटू 100 हो गया, 1000 हो चुका है। और बस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और मेरे बाकी सब वीडियो अब नीचे है वो देख सकते हैं आप, और देख के जाइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।